गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, ऑप्शंस। ऑप्शन इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। बेसिक जो है दैट इज सेम, जैसे फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स होते हैं उसी तरीके से ऑप्शन होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक अंडरलाइंग एसेट है जिसे बाय और सेल करने का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एट अ फ्यूचर डेट। दोनों में जो डिफरेंस है फ्यूचर और ऑप्शंस में वो क्या है? फ्यूचर में वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना आपकी ऑब्लिगेशन है, जबकि ऑप्शन में आपके पास राइट है ये डिसाइड करने का कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी राइट ग्रांट करती है दूसरी पार्टी को राइट टू बाय या राइट टू सेल किसी भी स्पेसिफिक एसेट को स्पेसिफिक प्राइस पे दूसरी पार्टी को। तो जो पर्सन राइट देता है, द पर्सन हु ग्रांट्स द राइट, उसे हम ऑप्शन राइटर कहते हैं। और वो पर्सन जो राइट रिसीव करता है, राइट टू बाय रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्शन बायर। ये जो आपको राइट मिल रही है इसके लिए आप कुछ पेमेंट करते हो जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके की राइट्स हमने पढ़ी, एक राइट टू बाय, दूसरा राइट टू सेल। अगर आपको मिल रही है राइट टू सेल अ सिक्योरिटी तो उसे हम कहेंगे पुट ऑप्शन। अगर आपको मिल रहा है राइट टू बाय अ सिक्योरिटी तो उसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में यूज़ होती है, पहला है ऑप्शन राइटर। वो पर्सन जो ऑप्शन को राइट करता है या जो सेल कर रहा है ऑप्शन को, जो राइट टू बाय दे रहा है दूसरी पार्टी को, उसे हम कहते हैं ऑप्शन राइटर। नेक्स्ट टर्म है ऑप्शन होल्डर या बायर। वो पर्सन जो बाय करता है ऑप्शन ऑप्शन राइटर से, उसे हम कहते हैं ऑप्शन बायर। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल ऑप्शन। इसका मतलब कि ऑप्शन टू बाय या बाय को हम लॉन्ग भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रही है बाय करने के लिए तो हम कहेंगे कि आपके पास कॉल ऑप्शन है। पुट ऑप्शन जहाँ पे आपको जो राइट मिल रही है, ऑप्शन मिल रही है, वो सेल करने की मिल रही है, यहाँ पे हम कहते हैं इस ऑप्शन में जो सेलर है वो शॉर्ट करता है अपनी पोजीशन। शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना और लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज प्रीमियम। जैसे हमने ऊपर बात की, जो अमाउंट बायर पे करेगा सेलर को किस चीज़ के लिए, जो उसे वो राइट दे रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम कहते हैं प्रीमियम। देन स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, वो प्राइस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया है, प्री फिक्स्ड प्राइस जो है जिस पे आप एसेट को खरीदोगे या बेचोगे, उसे स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज डेट, वो डेट जिस डेट को ऑप्शन होल्डर एक्चुअली अपनी ऑप्शन की जो राइट है उसे एक्सरसाइज करता है, उसे एक्सरसाइज डेट कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपायरी ऑप्शन, वो डेट जिस डेट को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा और होल्डर को अपनी राइट जिस डेट तक एक्सरसाइज करनी है उसे हम एक्सपायरी ऑप्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्राइक प्राइस इंटरवल। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जिस पे आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिटरमाइन करता है एक्सचेंज। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन का मतलब है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं बाइंग या सेल करने का अंडरलाइंग एसेट को एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहते हैं एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कवर्ड ऑप्शन।
कवर्ड ऑप्शन का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडर सोल्ड कर रहा है जब वो एक्चुअली ओन कर रहा है अंडरलाइंग एसेट को, मतलब जो पर्सन है, जो ऑप्शन राइटर है, उसके पास अंडरलाइंग एसेट की ओनरशिप है, तो उसे हम कहेंगे कवर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज नेकेड ऑप्शन, कवर्ड ऑप्शन का उल्टा, कि जहाँ पे जो राइटर है वो अंडरलाइंग एसेट को ओन नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं नेकेड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी ऑप्शन की क्या होती है? डिफरेंस उसके एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस में जो है उसमें, और जो आपका स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस है उसमें अंडरलाइंग एसेट का, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो मार्केट प्राइस है अंडरलाइंग एसेट का, जब उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो भी आपका एक्सरसाइज प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस है, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टाइम वैल्यू वो वैल्यू जो आप डिटरमाइन करते हो जो भी ऑप्शन का रिमेनिंग लाइफ टाइम रह गया है उसके बेसिस पे, वॉलेटैलिटी के बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ रीफाइनेंसिंग के बेसिस पे, जो भी अंडरलाइंग एसेट की होगी, तो ये किसके इक्वल होता है? टाइम वैल्यू का मतलब जब आप मार्केट प्राइस में से इंट्रिंसिक प्राइस को माइनस कर देते हो तो आपको टाइम वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट है इन दी मनी ऑप्शन। इन दी मनी ऑप्शन का क्या मतलब है? एक कॉल ऑप्शन को हम इन दी मनी ऑप्शन तब कहेंगे जब जो उसका स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस जो है, स्पॉट प्राइस क्या होता है? जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल में या उस अंडरलाइंग एसेट को एक्चुअल में बाय करने गए तो उस टाइम पे जो भी रेट आपको मिला दैट इज स्पॉट प्राइस। तो जो स्पॉट प्राइस या जो एक्सरसाइज प्राइस है अगर वो ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तो हम उसे कहेंगे कि इन द मनी ऑप्शन है। पुट ऑप्शन के केस में जो एक्सरसाइज प्राइस है आपका वो लेस होगा देन मार्केट प्राइस। एट द मनी ऑप्शन, नेक्स्ट टर्म हमारी। एट द मनी ऑप्शन का मतलब है जब जो ऑप्शन है उसका जो एक्सरसाइज प्राइस है और मार्केट प्राइस है दोनों इक्वल है, दोनों के केसेस में, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के केसेस में, तो उसे हम कहते हैं एट द मनी ऑप्शन। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। जब जो आपका कॉल ऑप्शन के केस में आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हम तब कहेंगे जब आपका एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है आपके मार्केट प्राइस से, और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन जब आपका एक्सरसाइज प्राइस कम है मार्केट प्राइस से तो उसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट इज लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स जो आप ट्रेड कर रहे हो एक सिंगल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जब आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें जो मिनिमम फिक्स नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट की यूनिट्स जो आप ट्रेड कर रहे हो उसे हम लॉट साइज कहते हैं। नेक्स्ट इज ओपन इंटरेस्ट। लॉट साइज क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजिशन किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट्स इन दी मार्केट किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑप्शन। मेनली दो टाइप्स के ऑप्शन हैं आपके पास, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है, राइट टू बायर राइट दे रहा है, वो बायर को बाय करने की जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसको एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। जो बायर है इसके लिए, इस राइट के लिए, राइट टू बाय जो उसे मिल रहा है इसके लिए वो एक प्रीमियम पे करता है सेलर को। देन आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन राइट देती है सेलर को टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट, और जो सेलर है
इस राइट को देने के लिए, जो उसे राइट मिल रही है उसे राइट टू सेल, इसके लिए वो प्रीमियम रिसीव करता है। जो ऑप्शंस है उसे आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन टाइम भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन हम उन ऑप्शंस को कहते हैं जिसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी टाइम पे ऑन या बिफोर द एक्सपायरी डेट। दूसरा है यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शंस हम उन्हें कहते हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो सिर्फ एक्सपायरी डेट पर, उसे यूरोपियन ऑप्शंस कहा जाता है। देन जो अदर कैटेगराइजेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ देयर ट्रेड, इसके बेसिस पे हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस और दूसरा है ओवर द काउंटर ऑप्शन। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो। ओवर द काउंटर ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते हो, उन्हें डायरेक्टली ट्रेड किया जाता है बिटवीन बायर एंड सेलर। इसी तरीके से ऑन द कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे जिन्हें हम डिफरेंट बेसिस में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा सिंपल ऑप्शंस। सिंपल ऑप्शंस के जो वेरियस टाइप्स हैं वो क्या है? पहला है स्टॉक ऑप्शन, जहाँ पे आप ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, मतलब जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो उसे स्टॉक ऑप्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑप्शन, जहाँ पर ऑप्शन जो है लिखा जा रहा है वो उसके लिए जो अंडरलाइंग एसेट है वो कोई भी एक्सचेंज का इंडेक्स है, जैसे CNX निफ्टी 50 हो सकता है, CNX IT हो सकता है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एसेट्रा। द नेक्स्ट है कॉमोडिटी ऑप्शन। कॉमोडिटी ऑप्शंस भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो राइट टू बाय और सेल देते हैं स्पेसिफिक कॉमोडिटी को एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। देन आता है बॉन्ड ऑप्शन। बॉन्ड ऑप्शन वो ऑप्शन है जहाँ पे आपको राइट आप बाय और सेल का दे रहे हो बॉन्ड को करने का एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट करेंसी ऑप्शंस, ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, प्री डिफाइंड मैच्योरिटीज इनकी होती है और यहाँ पे जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है वो करेंसी है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, जैसे कि नेम से क्लियर है ऑप्शंस ऑन फ्यूचर, जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो टाइप का ऑप्शन है वो कॉम्बिनेशन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का। द नेक्स्ट जो हमारा मेन हेडिंग है एक्सोटिक ऑप्शंस, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक्सोटिक ऑप्शंस जो हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जाते, ये ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। जो टर्म्स हैं ऑप्शंस की नेगोशिएट होती है बिटवीन ब्रोकर्स एंड डीलर्स, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में और कस्टमाइज्ड होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस को कंबाइन करके ये ऑप्शंस बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं इनके। सबसे पहला है रेंज फॉरवर्ड, ये एक वेरिएशन है रेगुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसे आप यूज़ करते हैं रिस्क को हेज करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में टू ऑपोजिट पोजिशंस जो है ऑप्शंस में वो पर्सन लेता है, मतलब कि इस तरीके से ये ऑप्शन होता है जहाँ पे आप साइमल्टेनियसली सेल और परचेज कर रहे हो पुट ऑप्शंस को और कॉल ऑप्शंस को, जो सेम अमाउंट का प्रिंसिपल है जिसमें और सेम मैच्योरिटी है, बट एक्सरसाइज प्राइस जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है रेशो रेंज फॉरवर्ड और स्वैप ऑप्शंस, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।